मुंबई से एक हैरान कर देने वाली घटना, स्कूल प्रिंसिपल को चाकू से गोदा, शिक्षिका पत्नी को वेतन न मिलने से नाराज था पति। मुंबई में गर्मी की वजह से बढ़ी आंखों की बीमारी, सही से बचाव करें और सही उपचार करें। वहीं आप सभी को बता दें, मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में लू और भीषण गर्मी का अलर्ट हुआ जारी। मुंबई के माहिम से शर्मनाक घटना, खराब रेटिंग पर कैब ड्राइवर ने मुंबई की महिला को भेजी थी असली तस्वीरें, सूरत से हुआ गिरफ्तार। मुंबई के मलाड मलवानी में टावर में लगी आग, झोपड़पट्टी में भी आग लगने की सूचना, फिलहाल किसी भी तरह की जनहानि नहीं। बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 17 वर्षीय किशोरी को गर्भ समाप्त करने की अनुमति दी, बाल विवाह की शिकार, HIV पॉजिटिव। वहीं समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच का दे विवरण, बॉम्बे हाईकोर्ट ने NCB को दिया निर्देश। मुंबई में जालसाजों ने ऑनलाइन ठगी के जरिए व्यवसायी को लगाया 35 लाख का चूना, मुंबई पुलिस ने बरामद किए रुपए। वहीं आप सभी को बता दें, एशिया और देश के सबसे अमीर कारोबारी मुकेश अंबानी आज अपना 67वां जन्मदिन मना रहे हैं, तो हमारी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे। ये बिश्नोई बिश्नोई जो भी है समाप्त कर देंगे, एकनाथ शिंदे के बयान पर भड़का बिश्नोई समाज। दरअसल बांद्रा में स्थित सलमान खान के घर पे हुए फायरिंग में बोले एकनाथ शिंदे। वहीं दक्षिण मुंबई मध्य लोकसभा सीट को लेकर MBA ने बुलाई बैठक, वर्षा गायकवाड़ को मनाएगी कांग्रेस। मुंबई के भाईखला में पुलिसकर्मी की बेटी ने की आत्महत्या, फिलहाल मामला हुआ दर्ज, छानबीन जारी। सलमान खान के घर में फायरिंग हुए में आरोपियों ने कहा कि बस डराने का प्लान था, भय बनाने का प्लान था। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वक्त की ताज़ा खबर। मुंबई महाराष्ट्र की सभी ताज़ा खबरें से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन जरूर दबाना। और मुंबई में गर्मी कुछ ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसे में आप सभी लोग समय समय पर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, सावधानी बरतें। थैंक यू।